अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज के दिन मैं मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जिसे मैं जॉब से रिलेटेड बात करूंगा कि जॉब वो किस तरह से पाया, कतर में कैसे जॉब पाया, सब बात करेंगे। और क्योंकि जैसा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू जो काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि भाई जॉब, ये जॉब के बारे में पूछते हैं लोग कि किस तरह से जॉब हमें कतर में मिल सकता है, आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा, सबके बारे में, तो हम इनसे बात करेंगे वो किस तरीके से आए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यूपी मऊ जिला के रहने वाले हैं। तो आप मतलब यहाँ पे कतर में कितने साल से? 3 महीने। अच्छा, 3 महीना से है। तो मतलब 3 महीना से, तो आप किस ऑफिस के थ्रू आए थे? जबान ऑफिस से आए थे। तो मतलब जब आप कब आए थे? 2018-2019 कब आए थे यहाँ? मुंबई में आके अब इसमें रोकेंगे, मुंबई में खर्चा कितना होता था महीना आपको? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज के दिन मैं मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जिसे मैं जॉब से रिलेटेड बात करूंगा कि जॉब वो किस तरह से पाया, कतर में कैसे जॉब पाया, सब बात करेंगे। और क्योंकि जैसा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू जो काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि भाई जॉब, ये जॉब के बारे में पूछते हैं लोग कि किस तरह से जॉब हमें कतर में मिल सकता है, आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा, सबके बारे में, तो हम इनसे बात करेंगे वो किस तरीके से आए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यूपी मऊ जिला के रहने वाले हैं। तो आप मतलब यहाँ पे कतर में कितने साल से हैं? अभी 3 महीने से। अच्छा, 3 महीना से है। तो मतलब 3 महीना से, तो आप किस ऑफिस के थ्रू आए थे? इंडमान ऑफिस से आए थे। तो मतलब जब आप कब आए थे? 2018-2019 कब आए थे यहाँ? 2023। अच्छा, 2023 के एंड में आप आए थे इंडमान ऑफिस से, है ना? 23 में इंटरव्यू मारने गए थे और 24 में कतर में। अच्छा, 24 में आप कतर में आए। कितना आपको ऑफिस चार्ज लगा होगा? फ्री रिक्वायरमेंट। अच्छा, फ्री रिक्वायरमेंट था, माशाल्लाह। देखिए, यही होता है, पब्लिक समझता है कि भाई मेरा 70,000-80,000-1,00,000। अरे नहीं मर्दबा, अगर तोहरा पास अगर जिगर बा हो तो मर्दबा देख लेगा। ये मर्दबा जो है फ्री में आए हो कतर, तो इसीलिए मैं तोहरे को बोला था तनी मर्दबा तेरे अप्लाई करे, अगर बैठे घर में तो आसानी से जलवाना हो कतर, ठीक है? देखिए, बात यह है कि दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम ऑफिस में अप्लाई करेंगे 70,000-80,000 लगेगा, नहीं, आपको अब्रॉड असाइनमेंट पेपर है। अच्छा, आप कैसे देखे, कैसे था, आपको कैसे जॉब का पता चला था? ये पेपर में आया था। वहाँ कौन से पेपर में आया था? जॉब पेपर आता है, अब्रॉड असाइनमेंट, उसमें लिंक है। अच्छा, अब्रॉड असाइनमेंट पेपर के थ्रू आप देखे थे, फिर आप अप्लाई किए थे। तो अंडमान ऑफिस वाला आपसे कैसे कॉन्टेक्ट किया था? मैं वहाँ गया था ऑफिस में, हाँ, तो पूछा कि ये 3CC का जो रिक्वायरमेंट आया है, हाँ हाँ, उसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। वो बोला ठीक है, CV जमा कर दो, ठीक है, और आपका इंटरव्यू कल होगा। वो हमको एक टोकन दिया। अच्छा, तो मैं कल गया तो उस दिन फुल था, उस दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन, हाँ, तो दूसरे दिन हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन किया। तो आपसे पूछेगा, आप मुंबई में थे उस टाइम? हाँ, मुंबई। अच्छा, मुंबई में थे, ठीक है। हम आपसे मेन पॉइंट और पूछेंगे कि आपका ये, तो जैसा आपने बताया कि फ्री रिक्वायरमेंट था, ठीक है, और आप जो है पेपर के थ्रू आप जो है जॉब देखे, उसके बाद अप्लाई किए, ठीक है, शॉर्टलिस्ट हुएंगे, उसके बाद आपको वो कॉल किया। तो आप इससे पहले कतर से पहले कहीं थे? दुबई में थे। अच्छा, दुबई में, दुबई में कितने साल का एक्सपीरियंस था? 4 साल। तो 4 साल में दुबई में आपको क्या सैलरी मिल रहा था? दुबई में हमको बहुत कम सैलरी। कम सैलरी, तो क्या वो वहाँ पे क्या पोस्ट था, वो क्या पोजीशन था? इलेक्ट्रीशियन का। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन था, मतलब कतर में आपको ज़्यादा सैलरी मिल रहा थी। कतर और दुबई में कौन ज़्यादा आपको बेहतर लग रहा है? दोनों ठीक लग रहा है। मतलब कतर में, दुबई में थोड़ा सा क्या था, अपनापन था, कतर में थोड़ा कम अपनापन। और यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह कैसा है, कंपनी प्रोवाइड किया है खाना पीना? हाँ, सब खाना पीना कंपनी प्रोवाइड किया। कितने लोग रहते होंगे एक रूम में? एक रूम में छः लोग रहते हैं। और मतलब आपके कंपनी का क्या नाम है वैसे? 3CC। अच्छा, 3CC कंपनी। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़ी, दुनिया में तो नहीं, अरब गल्फ कंट्री में जो है 3CC कंपनी एक बहुत ही मानी जानी कंपनी है यहाँ पे। और ये, इसका लास्ट जो एक्सीडेंट हुआ था मक्का में, जो कि क्रेन वाला इशू हुआ, उसके बाद से थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन फिर ये अपने ग्रोथ में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे जो भी इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे वो कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें, क्या करें, जिससे कि वो भी कुछ हो जाए गल्फ कंट्री में? सबसे पहले तो इंडिया में रहने वालों के लिए ये है कि कोई ना कोई काम सीखें, हाँ, बिना काम के नहीं इधर आना मुश्किल है। उसके बाद से काम सीख के मुंबई में ऑफिस में अप्लाई, हाँ, मारें। मुंबई में खर्चा कितना होता था महीना आपको? मुंबई महीना में ज्यादा खर्चा नहीं है, मतलब 800 रूम काम देता था और पूरे महीना खाता था, मतलब 2,000।
मतलब कि 3000 में इनका रहना खाना सब हो जाता था, मुंबई में ही रह करके ये अप्लाई मुंबई में। और एक सुविधा है, आपका ट्रेस कीजिए बैठे हैं, तो जिस दिन आपका इंटरव्यू नहीं है उस दिन आपका ट्रेस कीजिए, अपना खर्चा निकालिए, जिस दिन इंटरव्यू है जाइए इंटरव्यू मारिए। तो यहाँ पे आपको कंपनी के साल भर में आपको छुट्टी देते हैं कि 2 साल में? नहीं, अभी तो 2 साल 18 महीना में अभी फॉर्म दिया है कि 18 महीना में भी आप छुट्टी जा सकते हैं। अच्छा, टिकट दे देंगे और कंपनी आपको वो लीव सैलरी भी देता है? सब देगा सर। अब एक में आपको एक दिन छुट्टी रहता होगा? एक दिन छुट्टी रहता होगा, लंबा का दिन छुट्टी रहता है। तो ऑलराउंड दोस्तों जैसा इन्होंने बताया है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मुंबई की इंडमान ऑफिस आप कैब भी देख सकते हैं। इंडमान ऑफिस वाले जो भी देख रहे हैं वो देख ले, ये बंदा जो है माशाल्लाह काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये कि भाई कि जिस ऑफिस से आया ये बंदा आज भी जो इंडमान ऑफिस का एडवर्टाइज़ कर रहा है वो बताना चाह रहा है कि इंडमान ऑफिस एक जेन्युइन ऑफिस है। तो बता दे कि फ्री जो है ये जॉब था, ये फ्री जॉब के थ्रू आए हैं यहाँ पे और कतर में है। और कतर में फिलहाल दोस्तों ये पिछले 1 साल से 3CC कंपनी है, कंपनी का अकोमोडेशन है, खाना पीना कंपनी का। एक साल से लेकर के 2 साल के बीच में जो है इनको छुट्टी मिलता है। तो आपसे गुजारिश है ये दोस्तों कि ना उम्मीद नहीं हो, अल्लाह की रात से आप जो बस अप्लाई करें और उसके बाद अपना जो चेक करते रहें। फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट बंदे से, उनसे भी कुछ पूछेंगे, उनसे भी कुछ जानेंगे। फिलहाल चलिए।